तो दोस्तों HBL पावर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी ने लाख में दिया, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 402 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 319 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 467 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने मिला है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 15% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़े लार्ज स्केल पर आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। यही एक वजह है कि ये शेयर कभी मतलब गिरावट होती ही नहीं है शेयर के अंदर, हमेशा ये शेयर का चार्ट जो है ऊपर की ओर बना रहता है, क्योंकि हर क्वार्टर कंपनी के जो रेवेन्यू है वो पता नहीं कैसे कंपनी बहुत शानदार दे देती है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 370 करोड़ थे, पिछले साल 293 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 401 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी की तरफ से बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 20 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 51 करोड़ पहुंचता हुआ देखने मिला। जी हाँ, 51 करोड़ कंपनी, मतलब आपको क्या बताया मैंने, 50% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जब कंपनी का प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ता हुआ देखने मिला। जी हाँ, 2.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ के मुकाबले 51 करोड़ पहुंचता हुआ देखने मिला। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 50% के आसपास की तेजी है। तो गजब के नंबर कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.26, पिछले साल मात्र 71 पैसे का, अभी देखें तो 1.86 के आसपास आता हुआ देखने मिला। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी शानदार कंपनी के द्वारा इस नंबर दिए गए हैं। पावर सेक्टर का नंबर ऐसे तो नहीं आ रहा था, सेक्टर के देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने रिजल्ट दिए हैं, थोड़े से दबाव वाले देखने मिले थे, लेकिन HBL पावर कहाँ से कितना शानदार नंबर देती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।